सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल सिस्टम आर्टिकुलेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेस्ड ऑन द वन और टू मार्फोलॉजिकल पेयर्स, एक या दो करेक्टर देखिए क्या किया उसको हमने डिवाइड किया बांट दिया, तो ये किस आधार पर वन और टू मार्फोलॉजिकल पेयर्स यूजफुल रखनी थी। आप जनरली क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पर कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन का ज्यादा आपने केवल है तो आर्टिफिशियल सिस्टम, और वो नो रिलेशन ऑफ नेचुरल है फाइलोजेनी, नेचुरल से इसका कोई संबंध नहीं है, फाइलोजेनी से इसका कोई मतलब नहीं है। किसने लिया है तो एरिस्टोटल, यानी कि जो सबसे पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो कौन सा होगा आर्टिफिशियल, सबसे पुराना सिस्टम कौन सा होगा आर्टिफिशियल होगा, तो इसमें एरिस्टोटल का नाम आता है। थियो फ्रेशर्स जो हमारा बॉटनी है उनका भी नाम आता है थियो फ्रेशर्स, और आपका लिनियस का नाम आता है। याद रखिए लिनियस ने जो अपना सिस्टम दिया ये बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस, तो याद रखिएगा स्टेमन और पिस्टिल है ना, ये अपना सेक्सुअल करेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के, तो इन्होंने अपने सिस्टम को जो कहा जाता है इतने सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया बुक का क्या नाम है जेनेरा प्लेटेरा। समझ में आया कि आर्टिफिशियल सिस्टम है सबसे पुराना है, एक या फिर मार्फोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर बांट दिया जाता है प्लांट्स को, और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड किसको किया जाता है अपन लिनियस को याद रखिएगा, और लिनियस ने जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया किस आधार पर किया स्टेमन के आधार पर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल सिस्टम में क्या है उसके नेचुरल करेक्टर उसके मार्फोलॉजिकल करेक्टर और उसके एनाटॉमिकल एफेक्टिविटीज देखी जाती है ना कि क्या उसके एनाटॉमिकल एफेक्टिविटीज है ऑफ द प्लांट, आल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप आल्सो कंप्लेस मैनी करेक्टर। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स का क्या किया जाता है कंसिडर किया जाता है कंपेयर किया जाता है। याद रखिए एएलडी जूसी का जो क्लासिफिकेशन है एक कॉटिलेडोनी मोनोकॉटिलेडोनी और डाइकॉटिलेडोनी इन्होंने बांटा है, इसके अंदर एपी पैंडोले का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमारा कैसा है नेचुरल है, वैस्कुलरिस और सेलुलरिस को इन्होंने बांटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेंथम एंड कोकर का क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन बेंथम एंड कोकर का क्लासिफिकेशन, और इन्होंने पब्लिश की थ्री वैल्यूज पब्लिश की जिसके जेनेरा प्लेटेरम, और यहाँ पर इन्होंने 202 फैमिलीज दी है, तो याद रखिए 202 फैमिलीज किसके द्वारा दी गई है और कहां पर इन्होंने पब्लिश किया है तो अपनी बुक जेनेरा प्लेटेरम में। एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इन फील्ड कौन सा बेंथम एंड कुकर का कैसा है नेचुरल। तीसरा जो है हमारा जेनेरा प्लेटेरम में एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इन फील्ड कौन सा बेंथम एंड कुकर का कैसा है नेचुरल। तीसरा जो है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये टोटली किस पर बेस्ड है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिस तरह से प्लांट का विकास होता है आप पढ़ते हो कि बायोफाइटा बायोफाइटा के क्रेडो फाइटा क्रेडो फाइटो, तो यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किस तरह से प्लांट्स से इवोल्यूशन शुरू होते हैं जो सबके बाद हम करते हैं उसके आधार पर आरएनए को यहाँ पर आधार बनाया गया फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है किसने दिया है तो एंगलर और प्रेंटर, तो ये याद रखें पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया है एंगलर और प्रेंटर। हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने बुक दी थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो याद रखिए कौन सी बुक है फैमिलीज ऑफ तत्ताजाम का जो सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बुक इन्होंने लिखी है, तो तत्ताजाम का भी क्लासिफिकेशन कैसा है फाइलोजेनेटिक है, नोट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है।